सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसी लीकेज प्रॉब्लम। दोस्तों किसी भी गाड़ी का एसी हो, दोस्तों देखिए इस गाड़ी में दोस्तों सबसे पहले हमें एसी की गैस चेक करना है। देखिए दोस्तों पेच कर लगाकर वाल्व देख लेना है हाई प्रेशर में, दोस्तों थोड़ी गैस निकल रही कि नहीं निकल रही। दोस्तों इसमें बिल्कुल ही गैस नहीं है और इस प्रॉब्लम को हम दूर करने वाले हैं। इन्होंने बाहर भी दिखाया और गैस डला ली, जिसके बाद दोस्तों इनका 15 दिन की बाद दोस्तों जो है इनका जो है गैस निकल गया। उसके बाद ये हमारे पास आया और बोले कि मैंने गैस डलवाई थी और गैस निकल गई है, सर देख लीजिए। सर सुबह हमने देखा कि इनका पूरा सिस्टम चेक किया, सब सारे पाइप वगैरह सब चेक किए। दोस्तों हमें एक लो प्रेशर पाइप ही दोस्तों जो कंप्रेसर से आया हुआ है, एसी कंप्रेसर से आया हुआ है, ये हमको गीला गीला नम टाइप लगा दोस्तों, काफ़ी ऑयली और गीला, इस पर डस्ट जमी हुई थी काफ़ी। तो दोस्तों इसी तरह से अगर पाइप आपको दिखता है तो दोस्तों आपको लीकेज की जांच करनी है, पहचान करनी है। दोस्तों ये पाइप दोस्तों लीकेज है, दोस्तों इसी कारण दोस्तों इनकी गैस निकल रही है और बहुत ही माइनर लीकेज है, इसी कारण दोस्तों ये गैस 15-20 दिन में निकल जा रही है दोस्तों। सो वैसे इसी प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं, आपको पाइप को खोल कर दिखाने वाले हैं और इस पाइप को बदलने वाले हैं और गैस फिर से फिलअप करने वाले हैं। सो वैसे देखिए कितना गीला पाइप है, इसमें पूरा ऑयली ऑयली लग रहा है और पूरा डस्ट से भरा हुआ है। ये वीडियो हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए है और हमारे कस्टमर भाइयों के लिए है कि पहचान सकें कि हमारा लीकेज है। सो गाइस और कस्टमर अपने एसी की जांच कर सकें कि किस तरह से एसी में गैस है कि नहीं हमारे सिस्टम में। सो गाइस पाइप में अपना पेचकस या कुछ भी लगाकर आप एसी की जांच भी कर सकते हैं, खुद ही जांच कर सकते हैं गैस हमारे सिस्टम में है कि नहीं। सो गाइस देखिए हम इस पाइप को चेंज करने वाले हैं, जो पाइप लीकेज था दोस्तों उसको बदलने वाले हैं क्योंकि रिपेयर प्रोसेस नहीं है। दोस्तों हमने पाइप को बदल दिया है। दोस्तों 1 वोल्ट यहाँ 10 नंबर लगेगा और एक सपोर्टिंग के लिए ब्रैकेट में लगेगा 10 नंबर दोस्तों, और 1 10 नंबर बोल्ट दोस्तों कंप्रेसर में हमने लगाया हुआ है वहाँ पे लगेगा। सो गाइस देख सकते हैं 10 नंबर 1 वोल्ट कंप्रेसर में लगेगा। और इस पाइप को लगाने से पहले दोस्तों इसके ओरिंग पर दोस्तों कंप्रेसर ऑयल को ज़रूर लगा लेना है, जिससे कि हमारी ओरिंग फिटमेंट के समय कट ना जाए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। देखिए दोस्तों जब गैस हमारे सिस्टम में होती है तो किस तरह से दिखती है दोस्तों, किस तरह से अगर गैस होगी तो किस तरह से होगी, अगर नहीं होगी तो किस तरह से जानेंगे दोस्तों। अगर गैस होगी दोस्तों तो सिस्टम में जैसे ही हम पेचकस लगाएंगे दोस्तों एक फव्वारा